नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बुल मूवी के 64 दिन के ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने 64वें दिन में ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलेंगे कि इस फिल्म ने अभी तक ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में। तो आप अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल को 30 करोड़ के बजट से बनाया गया है इस फिल्म को, जो कि आज 64वां दिन है, और ये फिल्म बहुत ही अच्छा खासा कारोबार कर रही है। इस फिल्म में आप लोगों को अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्यूज और दोस्तों निकिता दत्ता नजर आएंगी। ये 1992 के ऊपर बनी एक स्कीम के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जो कि शेयर मार्केट में बहुत ही जोरदार तरीके से स्कीम किया जाता है, उसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। अभिषेक बच्चन की फिल्म जो कि बिग बुल मूवी, जो कि अभिषेक बच्चन को इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा सराहा गया और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। अभिषेक बच्चन की इस मूवी के कारण अब अभिषेक बच्चन ऐसा लगता है कि आने वाले प्रोजेक्ट अभिषेक बच्चन के हाथ में बहुत ही बड़े बड़े हैं, और ये आने वाले समय में अच्छी अच्छी मूवियाँ देंगे। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग बताते चले कि ये फिल्म अपने आज के दिन यानी कि 64वें दिन में कम से कम 2 लाख का कारोबार कर रही है अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिग बुल मूवी 2 लाख का कारोबार कर पाएगी अपने 64वें दिन आज के दिन ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बिग बुल मूवी देखी है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जोरदार तरीके से एक्टिंग कौन करते हुए नजर आ रहा है, ये भी हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि बिग बुल मूवी का अभी तक जो कि टोटल कलेक्शन जो कि अभी तक इस फिल्म ने कर लिया है 100 करोड़ के ऊपर इस फिल्म ने अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसे न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।